vector space, and every वेक्टर स्पेस जिसमें आपने बीएससी में कभी पढ़ी होंगी, राइट, पढ़ी जरूर होंगी, हो सकता है भूल गए हो तुरंत, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद करनी पड़ेंगी. सो हमने क्या किया कि टू सेव द स्पेस हमने एक जगह पे सब लिख दिया है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप उसके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द की नोशंस मीट्रिक स्पेस है जो कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा और जिनका हम इस्तेमाल करेंगे. तो मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस का अर्थ क्या होता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंस का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज ए कोशी सीक्वेंस, कब बोलते हैं कि कोई मीट्रिक स्पेस कंप्लीट है, राइट. और आपको मालूम है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होती है, हर कोशी सीक्वेंस बॉन्डेड होती है, ये सब चीज़ आपने पढ़ी होंगी. What is the meaning of a totally bounded subset in a metric space? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपने पहले कभी पढ़ी होंगी, उनको एक बार आप दोहरा लीजिएगा, उनको दोहरा लीजिएगा. तो फिर चीज़ें समझने में थोड़ा आराम हो जाएगा, राइट. सो I'll ask you to take a screenshot of this thing first. और फिर इसको आप एक बार जाके अपने जो भी आपकी फेवरेट किताब होगी मीट्रिक स्पेस की या नोट से कभी आपने चेक कर लीजिएगा, ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया. हाँ ठीक है. तो तुरंत हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कोशी सीक्वेंस कन्वर्जिंग. तो ए सीक्वेंस xn यानी इसके मेंबर्स क्या है, x1 x2 xn वगैरह वगैरह, दिस इज सेट टू कन्वर्ज टू ए पॉइंट x. अगर एक सफिशेंट फॉर एवरी एप्सिलॉन एक बड़ा सा आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए कि अगर इस एन की वैल्यू इस पॉजिटिव इंटीजर से बड़ी है तो एक्स एन और एस के बीच की दूरी हमेशा एप्सिलॉन से कम होगी, राइट. सो दिस इज व्हाट इज, ये सब पढ़ा होगा आपने, द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जिंग. और एक सीक्वेंस इज सेट टू बी कोशी यदि उसके बाद के टर्म्स आप जितना चाहे उतना पास कर लें. दैट मीन्स ए सीक्वेंस is said to be Cauchy sequence if for every epsilon ek stage ke baad ek fixed positive le lijiye uske baad jitne bhi mn honge usse bade unki duri jo hogi that is going to be lesser epsilon. So ye Cauchy sequence ho gaya and this is the meaning of a sequence converging, right. To humko turant zarurat kis cheez ki hai, a convergent Cauchy sequence, right. So iska screenshot aapne le liya hai, then I'll pass on to a new page. So ये इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, राइट. तो हमारी पहली जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की, यही हमारी. सो लेट पी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ. और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये एफ आर्बिट्रेरी नहीं है. एफ इज अलाउड टू बी द फील्ड ऑफ रियल्स और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा और कोई वैल्यू अलाउड नहीं है. लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ,
या चूंकि हम नॉन लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम बजाय वी को लिखने के, लेट मी राइट हियर, एन से याद रहेगा कि नॉन लीनियर स्पेस है, लेट एन बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ए फंक्शन दिस फ्रॉम एक्स टू आर वेयर दिस डिनोट्स द इमेज ऑफ एक्स अंडर दिस फंक्शन. Is called a norm on N, a norm on N if number one, this is always greater than or equal to zero. For every x, and this is equal to zero if and only if x is the null vector. Number two, अगर x और y दो एलिमेंट्स हैं वेक्टर्स के, वेक्टर स्पेस के, तो उनका नॉर्म इज ऑलवेज लेस एन इक्वल टू द नॉर्म्स ऑफ x एंड y सेपरेटली. एंड लास्टली, अगर आपने कोई वेक्टर लिया उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर एक नया वेक्टर मिल गया, तो इसका नॉर्म इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा दिस फॉर एवरी अल्फा इन एफ फॉर एवरी एक्स इन दिस थिंग. The pair, यानी कि वेक्टर स्पेस टुगेदर विद ए नॉर्म इज कॉल्ड ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. और ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं, लेकिन हम चूंकि अपनी आसानी के लिए आई विल डिनोट इट एज NLS इन शॉर्ट. केवल क्लास के लिए, किसी किताब दाम में अक्सर नहीं मिलेगा. अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने ये कर लिया है कि छोटा सा नोटेशन इस्तेमाल कर लेंगे, NLS फॉर अ नॉन लीनियर स्पेस, राइट. जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर the vector space R over R or C over C is a nonlinear space with norm. This is equal to nothing but mod of x. ठीक है. Likewise, similarly, the vector space Rn is a nonlinear space with this is equal to x1, so this is equal to
एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर इसका हाफ फॉर एवरी एक्स जिसके कि एन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये नॉर्म हो गया, राइट? एंड लाइकवाइज फॉर द वेक्टर स्पेस सी टू द पावर एन। तो ये तो आपको तुरंत रेडीमेड एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है? तो ऑफ कोर्स वी शैल कम अक्रॉस मोर एग्जांपल्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एंड देन हम लोग we see that if this is a non-linear space, then you can show that for all x, y in n, for x, y, and n, you can show that this minus this. अब ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, तो हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, डिपेंडिंग कि ये छोटा है कि बड़ा। तुम क्या करेंगे? आई टेक इट स्मॉल, दिस स्मॉल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग। क्यों? देन फॉर ऑल एक्स वाई, तो एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज दिस फंक्शन फ्रॉम सॉरी नॉट एक्स एन, यहां भी गलत लिखा था, इसको भी ठीक कर लीजिएगा, हमने यहां भी गलत लिख दिया है, आदत पड़ी हुई एक्स लिखने की। तो ये एन है एक्चुअली, राइट? सो दिस इज एक्चुअली एन, ठीक कर लीजिएगा अभी। सो दिस इज एक्चुअली एन, क्योंकि नॉर्म इज अ फंक्शन फ्रॉम वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट नहीं कर रहे हैं। तो यहां से लेकर के ये दिस इज कंटिन्यूस। तो कभी कभी इनका भी इस्तेमाल करेंगे, हालांकि डेफिनेशन में ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज है, ये वाली इन्हीं का कॉन्सिक्वेंस, ये दोनों है, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये डेफिनेशन के पार्ट नहीं है, तो अक्सर इनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो वी सी दैट दिस थिंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो पहले तो वन का देख लीजिए, वन के लिए हम क्या करेंगे कि आप देखिए, नोट दैट दिस आई कैन राइट एज एक्स माइनस वाई प्लस वाई, एंड this is less than equal to from here, from this condition, x plus y. तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, this is going to be less than x minus y plus the norm of this thing. Therefore, this
माइनस वाई इज लेस देन दिस थिंग. ऑल्सो अगर आप y लेते हैं तो y का नॉर्म वी कैन री राइट एज y माइनस x प्लस x, और उसी तर्क से दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ y माइनस x प्लस द नॉर्म ऑफ x. देयरफॉर दिस माइनस दिस is less than y minus x, which is equal to minus 1 into this, which is equal to, ये अल्फा हो गया. देखिए एक कंडीशन ये भी है, तो स्केलर की जगह पर हम माइनस 1 ले लेंगे तो माइनस 1 का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस 1. सो दिस इज एक्चुअली दिस इज दिस थिंग. सो देयरफॉर इसको नीचे लिख देते हैं, देयरफॉर वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो लेस देन एक्स माइनस वाई. अब आपके पास एक तो ये मिला आपको, एक आपको ये मिला और एक आपको ये मिला, तो x और y तो फिक्स्ड हैं. हो सकता है बड़ा हो, अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा. सो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, सो यू कैन सी दैट फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, तो हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें इसकी, मॉड ले लें, so this is always going to be less than equal to this minus this, proving one. ये तो one का proof हो गया, ठीक है, ये one का proof हो गया. And now I want to prove number two. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके तो टू को करने से पहले हम एक चीज हमको और बतानी चाहिए थी जो कि हम भूल गए, उसको यहां लिख देते हैं. सो इफ एन is a longer space, then this induces a metric, say D on N, given by D of x y, इसको define कर दीजिए as the norm of x minus y, ठीक है, पर real line में करते ही हैं. D of x y क्या होता है, x और y के बीच की दूरी, RN में भी ऐसे ही करते हैं, right? So that D is a metric is easy to check. तो हम मान लेते हैं कि ये मेट्रिक मिल गया. मेट्रिक में क्या दिखाना पड़ेगा, क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक है, डी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, और क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट. So this is a metric. D is
रिफर टू एज द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म डी। ठीक है, तो हर नॉन लीनियर स्पेस से हमको एक मीट्रिक स्पेस मिल जाएगा, ये। तो यहां से लेकर के यहां तक हर नॉर्म्ड स्पेस लीनियर स्पेस के साथ हमको एक मीट्रिक स्पेस मिल जाएगा D, वेयर D इज द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय दिस थिंग एज डिफाइंड लाइक दिस थिंग, राइट। तो इसलिए जब हम नॉन लीनियर स्पेस की बात करते हैं तो अक्सर उसमें मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज का भी फ्रीली इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल यहाँ पर एक मीट्रिक बिल्ट इन है इसके अंदर, राइट, सो वी कैन यूज इट। तो यहाँ पर जब हमने लिखा है इस चीज को, हमको जब हमने यहाँ पर लिखा दैट दिस इज कंटिन्यूस, दैट दिस इज कंटिन्यूस, तो सवाल उठना चाहिए बाई कंटिन्यूस इन वॉट सेंस, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, जैसे इन वॉट सेंस, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि किस सेंस में, राइट, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी केवल दो ही चीजें डिफाइन कर रखी है अब तक, जितना आपने पढ़ा है बीएससी में आपने डिफाइन किया था कंटिन्यू बिटवीन मीट्रिक स्पेसेस, और अब शायद आपने इसको पढ़ा होगा कंटिन्यू बिटवीन टॉपिकल स्पेसेस। तो अब यहां पर क्या स्थिति है, अब चूंकि ये एन जो है, ये एन जो है ये नॉन लीनियर स्पेस है, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक मीट्रिक है, ऑलरेडी मीट्रिक है, राइट, तो वी विल रिगार्ड दिस थिंग एज ए मीट्रिक स्पेस, और तो मीट्रिक स्पेस होता ही है, तो इधर भी मीट्रिक स्पेस होगा, मीट्रिक स्पेस होगा, सो वी कैन टॉक अबाउट दिस इज कंटिन्यूस, राइट। सो दिस इज जो हमने लिखा हुआ, दिस इज हमने लिख के छोड़ दिया है, तो हमको लिखना चाहिए था दिस रिगार्डेड एज ए फंक्शन बिटवीन टू मीट्रिक स्पेसेस इज कंटिन्यूस, राइट। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसे बोलते नहीं है, वो मान के चलते हैं कि भाई ये तो जब एन नॉन लीनियर स्पेस, तो मीट्रिक स्पेस तो हो ही गया इस मीट्रिक के साथ। तो जो आपको टू दिखाना है, तो टू को दिखाना पड़ेगा दैट दिस इज कंटिन्यूस एज ए फंक्शन बिटवीन टू मीट्रिक स्पेसेस, जहां पर कि एन के ऊपर है मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म और आर पे दीजिए मीट्रिक है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया? यस सर, यस सर, ओके ओके ओके। तो काफी कुछ तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे इसका, तो अब हम टू का प्रूफ यहां लिखते हैं, होपफुली इसमें आ जाएगा, एंड देन वील स्टार्ट ऑन ए फ्रेश पेज, राइट। तो हम आपको एक चीज का याद दिलाएंगे जो कि आपने बीएससी में पढ़ा होगा, रिकॉल दैट a function f between metric spaces is continuous if and only if it maps convergent sequences to convergent sequences, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो टू शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस रिगार्डेड एज अ फंक्शन में टू मीट्रिक स्पेस, कंटिन्यू दिखाने के लिए दिखाना पर्याप्त होगा कि अगर n के अंदर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी इमेज अंडर दिस थिंग विल कन्वर्ज इनटू आर, सो दैट विल शो दैट दिस फंक्शन मैप्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एन टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर, वो ऐसे करते हैं। सो टेक, सो लेट एक्सएन बी a sequence in H and let Xn converge to this X,
इन वी विश टू शो दैट दिस फंक्शन नॉर्म मैप्स दिस कन्वर्ट सीक्वेंस टू दिस. सो मैप का मतलब क्या हो जाएगा, वी विश टू शो दैट इमेज ऑफ दिस थिंग. फंक्शन क्या है हमारा, ये है, इसकी इमेज क्या होगी, दिस थिंग. दिस थिंग कन्वर्जेस टू दिस थिंग, ये को दिखाना पड़ेगा. इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है जो कि एन से आर में था, तो यहां जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एक्स एन, उसकी इमेज क्या हो जाएगी, एक्स एन की इमेज इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. तो ये सीक्वेंस मिल जाएगी आर के अंदर, तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस थिंग. तो क्या दिखाना पड़ेगा कि इफ आई टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन आई कैन फाइंड सफिशिएंटली बिग नेचुरल नंबर सच दैट जब भी एन उससे बड़ा होगा तो एक्स एन और एक्स की दूरी एप्सिलॉन से कम हो जाएगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस. सो लेट लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 सिंस एक्स एन ऑलरेडी कन्वर्जेस टू एक्स एज गिवेन. देर एक्सिस्ट सम बिग नेचुरल नंबर एन सच दैट जब भी एन एन 0 से बड़ा होगा तो एन के अंदर एक्स एन और एक्स के बीच की दूरी एप्सिलॉन से कम हो जाएगी. दैट मीन्स भाई डी एक्स एन कॉम एक्स क्या है, ये है चीज है. दैट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन दिस थिंग. ठीक है, बस समझ आ रही कि नहीं, विल गेट दिस थिंग. सो हमको क्या दिखाना है, ये हमको दिया हुआ है, हमको दिखाना है ओके वी शो दैट यही एन जीरो काम कर जाएगा. वी शो दैट अगर एन एन 0 से बड़ा हुआ देन डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ दिस थिंग यानी कि ये और ये इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां पर, ये फंक्शन कहां से कहां तक है, यहां तक है ना. अब हम आर के अंदर आ गए, जब हमने ये लगा दिया, इसने क्या किया किसी भी एक्स एन को जब ये यहां भेजेगा आर में तो उसकी इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ एक्स एन हो जाएगा ना. तो ये इमेज हो गई, लेकिन ये सब आर के अंदर, आर के अंदर मीट्रिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस थिंग. आर के अंदर क्या होती है मीट्रिक, आर के अंदर मीट्रिक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. जैसे मान लीजिए एक्स और वाई अगर आर में होते तो उनका डिस्टेंस क्या होता, यही तो होता ना. तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी इन आर इज लेस देन, ये हम दिखाएंगे. वी शैल शो दिस थिंग ये हमको दिखाना है, अभी दिखाया नहीं है, इनको दिखाना है, राइट, इनको दिखाना है. सो नाउ व्हाट वी डू इज द फॉलोइंग, कि यहां से सो लेट एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन ऑलरेडी हमारे पास ये चीज उपलब्ध है, ये हमारे पास ऑलरेडी, देन एक्स एन माइनस एक्स इज ऑलरेडी लेस देन दिस थिंग. राइट, बट यू कैन सी दैट कि अब ये कहां पर हो गया, ये तो इसके अंदर चला गया, आर के अंदर चला गया, राइट. सो सिंस
एक्स एन माइनस एक्स इसका नॉर्म, इसका नॉर्म जो है दैट इज लेस देन दिस थिंग माइनस, ये हमने कहां से लिया, वन से लिया, हमने वन में क्या प्रूव किया था, इसीलिए वन प्रूव किया था कि अगर एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट है तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का मॉड, ये सॉरी दिस मॉड दिस इज गोइंग टू बी लेस देन दिस थिंग, तो यहां पर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स एन लिखा, यहां पर लिखा एक्स लिखा हुआ, ये अंतर केवल, अदरवाइज सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, राइट। सो दिस फॉलोज एज सीन इन वन, देन सीन दिस इज देयरफॉर ये चीज जो है, ये चीज ऑलरेडी एप्सिलॉन से लंबा, पहले से लंबा, ये ऑलरेडी से, अरे हमने उल्टा लिख दिया, ये इसका पार्ट था, ये तो इसका पार्ट था इसका, क्योंकि इसी के नाम ये था, तो ये चीज ऑलरेडी हमारे पास है, ये चीज ऑलरेडी हमारे पास है, दिस इज ऑलरेडी लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर दिस एक्स एन माइनस एक्स दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, ये दिखाना था हमको, ये दिखाना था हमको, ये दिखाना था हमको, राइट। सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस विच इज इन आर कन्वर्जेस टू दिस थिंग, सो दिस एज ए फंक्शन फ्रॉम मीट्रिक स्पेस एन टू आर इज कंटिन्यूस। तो इन दो चीजों का आप कभी कभी इस्तेमाल करेंगे कि नॉर्म इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम द नॉर्म स्पेस टू रियल लाइन, और दूसरा जो वन हमने लिखा था, राइट। तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम नया पेज स्टार्ट करते हैं। हो गया, हेलो, यस सर, ओके। सो नाउ नाउ वी गिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फंक्शन एनालिसिस, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ए बानाक स्पेस, राइट। बानाक स्पेस जो है, स्टीफन बानाक एक पोलिश मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे है। तो ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन is called a Banach space if it is complete as a metric space। और हमने जो आपको कहा ना शुरू में, पहला जो पेज था कि उसको आप कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए, कंप्लीट का मतलब क्या था, कंप्लीट मींस दैट एवरी कोशी सीक्वेंस is convergent। ये शुरू वाले पेज में था। So a metric space is said to be complete if every Cauchy sequence in it is convergent। जैसे for example, आपको मालूम है, आपको मालूम, आपने पढ़ा होगा कि since every Cauchy
सीक्वेंस जब भी आपने पढ़ा होगा इन आर इज नोन टू बी कन्वर्जेंट आर इज कंप्लीट राइट, और यही चीज पे भी लागू होती है, ये भी कंप्लीट है राइट। बट वी शल शो ये हमारा पहला एक थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल रिजल्ट होगा। अभी तक तो पुरानी चीजें याद दिला रहे थे या कुछ डेफिनेशंस थी। पहला कि इफ यू टेक आर टू द पावर एन देन दिस इज ए बालक स्पेस, ठीक, दिस इज बालक स्पेस। तो क्या दिखाना पड़ेगा, एवरी कोशिश सीक्वेंस इन आर एन इज कंप्लीट। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत यह है कि अगर हमने कोई इसमें कोशिश सीक्वेंस लिया, मान लीजिए हमने सीक्वेंस ये लिया एक्स एन लिया राइट, ये सीक्वेंस लिया, रिमेंबर ये एक्स एन जो है किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, तो एक्स एन के भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एन के एन कोऑर्डिनेट्स हैं राइट। कैसे लिखे उसको, एक्स एन सबस्क्रिप्ट वन एक्स एन सबस्क्रिप्ट टू लिखेंगे तो फिर आगे और करना पड़ेगा, तो हमारा जो नोटेशन जो है थोड़ा सा हमारा ये हमको थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा। तो उससे बचने के लिए एक तरीका ये है, लेट मी राइट व्हाट इज दैट तरीका। तो हम बजाय किसी एलिमेंट को ऐसे डिनोट हम करते आए हैं, बराबर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इनकी सीक्वेंस लेनी है तो फिर एक और इसमें लगाना पड़ेगा सब्सक्रिप्ट, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट और बढ़ जाएंगी, वो दिक्कत करेगा। ये एलिमेंट मान लीजिए आर एन का है, तो ये हमको जो नोटेशन की दिक्कत होगी उससे बचने के लिए कुछ किताबों में बहुत ये कन्वीनियंट तरीका है, वो ये है। सो ऑब्सर्व that each element x of r to the power n can also be identified with a function, मान लीजिए से f from the set 1 to n to r given by f of I is equal to this thing, I varying from 1 up to n, ठीक है। आपको मालूम है a function from a set x to a set y is completely known if you know what are images of all the elements of x under f, तो हमको 1, 2 और n की इमेज मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 की इमेज लिख देंगे x1, 2 की इमेज लिख देंगे x2। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एलिमेंट है x, दिस आई आइडेंटिफाई विद एफ, वाई एलिमेंट है इसको किसी और से कर देंगे, जी से कर देंगे, अगर जैसे वाई के कोऑर्डिनेट्स है वाई वन वाई टू वाई एन, तो जी विल बी अ फंक्शन विच विल सेंड 1 to y1, 2 to y2 वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अब हम आर एन के एलिमेंट्स को बजाय ऐसे लिखने के, आई विल राइट देम एज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस थिंग, और आप देखिएगा उससे हमारा नोटेशन बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, एज यू विल सी रियलाइज ग्रेजुअली, ठीक है। तो पहला काम ने क्या किया कि आर एन को एलिमेंट्स को लिखने का एक अल्टरनेटिव तरीका प्रपोज किया है एंड ट्रस्ट मी दिस विल टर्न आउट टू बी, तो ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू शो, दिस इज अ बालक स्पेस। तो क्या दिखाना है, एवरी कोशिश सीक्वेंस इन दिस थिंग इज कन्वर्जेंट, सो कंसिडर a Cauchy
सीक्वेंस इन आरएन से, अब बजाय एक्शन लिखने का राइट हियर, आई विल राइट हियर समथिंग लाइक दिस थिंग। एन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एन तो यहां पर ये फिक्स्ड है, ये एन फिक्स्ड है, तो कुछ और लेंगे एफ एम। तो अब इसके मेंबर्स क्या है, एफ वन एफ टू एफ थ्री वगैरह वगैरह। तो कंसिडर कोशी सीक्वेंस, एक कोशी सीक्वेंस, एक कोशी सीक्वेंस इन आर एन से दिस थिंग। हमें क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि कोई भी एप्सिलॉन दिया हो ग्रेटर देन जीरो, देन आई कैन फाइंड सम पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए स्मॉल एन जीरो, कि जब भी एम उस एन जीरो से बड़ा होगा तो एफ एम कोई एलिमेंट हमको चाहिए आर एन का जिसपे कन्वर्ज करे। ओके, सो लेट लेट एप्सिलॉन इज सम नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, राइट, विच इज ग्रेटर देन जीरो। Then since this sequence is a Cauchy sequence, Cauchy sequence का क्या होता है, एक ऐसी sequence जिसकी end में जो elements हैं वो आप जितना pass चाहे उतना pass आप कर सकते हैं, which means mathematically since this is Cauchy, we can, देखिए ये ऐसे है ना, ये sequence ऐसी है f1 f2 वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के बीच कुछ दूरी है because ये सब के सब किसके elements हैं, Rn के elements है ना, उनके बीच का कुछ distance है। तो अगर Cauchy sequence है और कोई भी आपको एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो दिया, मान लीजिए एप्सिलन की इतनी दूरी है, ये इसकी एप्सिलन का साइज है, तो हम क्या करेंगे कि हो सकता है इनकी दूरी ज्यादा हो तो, लेकिन एंड में जो कोशिश सीक्वेंस है, आई कैन ऑलवेज फाइंड एक ऐसा स्टेज उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे सक्सेसिव उनकी दूरी इससे कम होगी, विच इज वॉट आई एम गोइंग टू राइट। वी कैन फाइंड सफिशेंटली बिग positive integers m dash such that कि उनके बीच का distance is less than this thing। देखिए ये जो है, ये हो जाएगा दिस इज द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद एवरी नॉर्म, लेकिन हमको मालूम है कि आरएन के अंदर नॉर्म क्या है, आरएन के अंदर नॉर्म क्या होता है। अगर जैसे मान लीजिए हम आरएन के एलिमेंट्स को ये लिखते तो यहां पर हमारा एक्स क्या होता, हमारा एक्स ये होता, हमने शुरू में लिखा भी था एक्स वन स्क्वायर प्लस 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 एक्स एन स्क्वायर इन सब का टू द पावर हाफ। अब फर्क केवल यह है कि यहां एक्स जगह लिखा हुआ एफ एम, तो एक्स वन क्या हो जाएगा एफ ऑफ वन, एक्स टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ टू, एक्स एन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एन, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। सच दैट दिस थिंग, सो नाउ दिस डिस्टेंस दैट इज, इसी को आपको समझना है कि ये जो चीज है, चूंकि हम आरएन के अंदर है, आरएन के अंदर हम मालूम के नॉर्म क्या होता है, ये आरएन का नॉर्म है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस इज दैट इज इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एफ एम आई, यानी कि ये इस आरएन के एलिमेंट्स का आईएथ कोऑर्डिनेट हो गया, देन एफ एम डैश इस एलिमेंट का ये क्वांटिटी हो गया, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको स्क्वायर किया था, इसको स्क्वायर कर देंगे और फिर सबको सम कर देंगे, ये तो हो जाएगा हमारा एक्स वन स्क्वायर, इसको हमने सम कर दिया कहां से कहां तक, आई से लेके वन से लेकर एन तक, और फिर सबको रेस कर दिया टू द पावर हाफ।
So that is actually this thing. That is actually this thing. Right? So this thing is actually less than this thing. Therefore, हम क्या करेंगे कि ओके सो व्हाट आई विल डू इज ओके तो हम क्या करते हैं दोनों को इसको हटा दीजिए स्क्वायर इसको हटा दीजिए स्क्वायर कर दीजिए देयरफॉर सम ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ एम आई माइनस एफ एम डैश आई इसको स्क्वायर हमने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन दिस थिंग इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एफ एम वन माइनस एफ एम डैश वन मॉट स्क्वायर प्लस एफ एम टू एफ एम डैश टू मॉट स्क्वायर वगैरह वगैरह प्लस 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 इसका मतलब कि अगर ये टोटल कितने एन फैक्टर्स हैं अगर एन फैक्टर्स इससे उनका सम इससे छोटा है तो हर फैक्टर इससे छोटा होगा यानी कि एज ए कॉन्सिक्वेंस इसमें अगर एम फैक्टर्स हैं एन फैक्टर्स तो हर फैक्टर जो है एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा होगा उनका ले लीजिए स्क्वायर रूट सो यू विल गेट सो consequently for every i ye important hai isme n factors hai i is equal to 1 ke liye i is equal to 2 ke liye jitne bhi hain for every i fm i minus fm dash i iska mod is less than this thing right so this shows let me iski humko zarurat ye to maine aise aapko samjhane ke liye likha iski zarurat thi nahi kuch so ye bhi mit gaya yahan pe kya mit gaya yahan par आर मिट गया ये शायद एप्सिलॉन स्क्वायर लिखा था ये मिट गया ओके ये मिल गया आपको राइट सो दिस शोज अब ये कहां पर है राइट नाउ यू सी दैट दिस शोज दैट देखिए ये एलिमेंट्स कहां बिलोंग कर रहे हैं आर को बिलोंग कर रहे हैं आपको एफएम क्या था एफएम वाज अ फंक्शन फॉर्म ये था एफएम क्या था वन टू एंड से लेके आर पे तो वन की इमेज या टू की इमेज या आई की इमेज यहां बिलोंग करेगी तो ये सब आर के एलिमेंट्स हो गए तो आपको हर आई के लिए आपको दिस शोज दैट द सीक्वेंस एफ एम आई इंपॉर्टेंट चीज यह है इन आर क्योंकि सबके सब ये आर के अंदर है इस एक कोशिश सीक्वेंस क्योंकि आपने दिखा दिया कि इस कोशिश सीक्वेंस फॉर ईच आई अगर आप आई फिक्स कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा m के डिफरेंट वैल्यू के लिए f जैसे f1 i f2 i f3 i f4 i वगैरह 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 यू विल गेट अ सीक्वेंस फॉर एवरी i इन r और चूंकि इस सीक्वेंस के एंड वाले मेंबर्स आर्बिट्ररीली क्लोज हैं बिकॉज दिस सो दिस इज गोइंग टू बी कोशी सीक्वेंस ये कोशी सीक्वेंस की परिभाषा है और आपको मालूम है कि r के अंदर एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट राइट सो कोशिश सीक्वेंस इन आर तो इन आर की वजह से हेंस फॉर एवरी आई
FMI converges to some element of R. Denote that element as purposely as Fi. So that is this sequence FMI converges to Fi. That means for every I FMI converges to Fi. This ये सब कुछ R के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ R के, क्योंकि आप R के अंदर पहुंच गए हैं ना, R के अंदर सब R के अंदर हो रहा है. This is converged to Fi. तो आपको I is equal to 1 के लिए F1 मिल जाएगा, I is equal to 2 के लिए F2 मिल जाएगा, I is equal to 3 के लिए F3 मिल जाएगा, वगैरह वगैरह. So this gives us, right? So okay, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. यस सर. ओके, सो अब ये जो हमको जो मिल गया, ये जो हमको मिल गया फाई, राइट? सो दिस गिव्स अस ए फंक्शन एफ फ्रॉम 1 to N to R sending I to Fi. और हमने देखा था कि every such function is element of, actually an element of R to the power N. अब देखिए हमारा, अब हम इसको यहां बंद कर देंगे, but before I close it, ये कहां से आ गया? I don't know what is this. Okay. So, हमको दिखाना था कि every Cauchy sequence in Rn converges to some element of Rn. तो पहले हमको guess करना था कि वो कौन सा element Rn का हम सोचें जिसको कोई दिखा सके कि F1 से converge कर रहा है. तो कल हम दिखाएंगे. We shall show tomorrow. That ये जो आर एन के अंदर कोशी सीक्वेंस है, दिस कन्वर्जेंस टू ये एलिमेंट जो अभी भी मिला है, वी शैल शो दिस थिंग. ये हम कल दिखाएंगे, राइट? ये कल दिखाएंगे. अब ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन समय नहीं है आज, राइट? इतने समय में नहीं हो पाएगा. सो वी शैल शो, लेकिन क्रुशल चीज थी कि एफ कैसे मिले, वो दिखाना आसान काम है. तो इस एफ को ढूंढ लिया है, एक हमने एलिमेंट ढूंढ लिया है विच इज अ लाइकली कैंडिडेट टू विच दिस एफ एम कैन बी शोन टू कन्वर्ज. दैट दिस इज ट्रू. That we shall show tomorrow. So we can, you can, I can stop here and you can leave. ठीक है? आप चाहें तो last की 2-3 line का screenshot ले लीजिए, right? ठीक है? Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah, see you tomorrow. Thank you, sir. Okay. Come, kal complete karenge isko.